Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपको लगता है आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है और ज़्यादा कुछ खास बचा नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हमारी ज़िंदगी में कई ऐसे पल आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और ये भी सच है, कई लोग तो जीवन में संघर्ष कर आगे निकल जाते हैं और कई लोग अपने हालातों से हार मान कर खुद को ज़िंदगी के हवाले कर देते हैं, और ऐसे में हमारी ज़िंदगी और खुद का कोई वजूद नहीं रहता। ये दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपने कलाम खुद लिखते हैं, और ऐसा सिर्फ इंसान ही नहीं, प्रकृति में हर प्राणी के साथ होता है। दोस्तों, आज मैं आपको ईगल यानी बाज की वो जुनून भरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आप कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानोगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाज सभी पक्षियों का राजा होता है, जिसकी उम्र लगभग 70 वर्ष तक होती है। लेकिन बाज के जीवन में एक ऐसा मुश्किल वक्त आता है जब उसका जीवन दांव पर लगा होता है। जब बाज 40 साल का हो जाता है, तब उसके पंख काम करना बंद कर देते हैं, जिससे वो उड़ नहीं पाता, और उसके नाखून भी कमज़ोर पड़ जाते हैं, जिससे वो शिकार को पकड़ नहीं पाता। यही नहीं, इसके साथ साथ उसकी चोंच भी कमज़ोर पड़ जाती है, जिससे वो शिकार को मुँह में दबा नहीं पाता। ये वक्त बाज के जीवन का सबसे बुरा वक्त होता है। बाज के पास दो रास्ते बचते हैं, या तो वो अपना जीवन त्याग दे, या फिर बदलाव के लिए एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार रहे, जिसका समय कम से कम 5 से 6 महीने का होता है। आपको जानकर हैरानी होगी, बाज उस कठिन रास्ते को चुनता है जिससे उसे बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ता है। बाज अपने चोंच और नाखून को पत्थर से मार मार के तोड़ देता है, और जब कुदरत उसे नई चोंच और नाखून देती है, तो वो अपने नाखूनों से अपने दोनों पंखों को तोड़ देता है ताकि उसे नए पंख मिल सके। 6 महीने दर्द सहने के बाद प्रकृति ने उसे नए पंख, चोंच और नाखून दिए। अब वो अपने बचे हुए 30 साल फिर से नया जीवन शुरू करता है। इस 6 महीने बाज को बेहद तकलीफ होती है, उसके शरीर से खून आने लगता है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता, क्योंकि वो जानता है 6 महीने का दर्द सहने के बाद वो आने वाले 30 साल तक उसकी ताकत बनकर उसके साथ रहेगा। बाज के जीवन से हमें 2 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली सीख, यदि जीवन में ख़राब समय आ गया है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, तो उसके लिए रोने का कोई अर्थ नहीं। अपनी ख़राब सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए और पूरी जान लगाकर कोई दूसरी शुरुआत कीजिए, जिससे आपका जीवन बेहतर हो सके। कि एक बात को लेकर आप कितने भी साल बैठे रहो, उसे आप ठीक नहीं कर सकते। दूसरी सीख, एक बार यदि आप अपने काम से कुछ साल मेहनत करके दर्द सह लोगे, तो आने वाले समय में वही दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अभी कुछ साल अपने काम में जी तोड़ मेहनत कीजिए, देखिए आने वाले समय में आपके पास सब कुछ होगा और आप बेहतरीन जीवन जी रहे होंगे। हिम्मत कीजिए और अभी के अभी शुरुआत कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो से आपको 1% भी फ़ायदा हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।